मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को राजनांदगांव से निकलने वाली परिवर्तन यात्रा से पूर्व पत्रकार वार्ता में भूपेश सरकार को कर्ज के मामले में घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति छत्तीसगढ़ के विकास की रही है और कांग्रेस की नीयत लूट की रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल हमारी सरकार रही, 15 साल सरकार रहने के बाद भी हमने जो टोटल कर्ज लिया और भूपेश सरकार ने 4.5 साल में कर्ज लिया, उसकी तुलना करें तो बीजेपी सरकार ने पिछले 15 साल प्रतिवर्ष 4 से 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया, जबकि दाऊ भूपेश बघेल की सरकार ने प्रतिवर्ष 15 से 18 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ वासियों को कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया है। देखिए, जहाँ तक सवाल कर्ज का है, कर्ज को मैं बुरा नहीं मानता। पहली बात आप समझ लें, बड़ा साफ कर दूं, मैं 15 साल फाइनेंस देख रहा था, कर्ज कभी बुरा नहीं होता। कर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती, स्टेट गवर्नमेंट भी देखती, कर्ज का उपयोग क्या होता है। हमने जो कर्ज लिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, हमने जो कर्जा लिया है वो सड़कों के निर्माण के जाल, फ्लाईओवर, बाईपास बनाने के लिए काम किया, हमने जो कर्ज लिया स्कूल, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए, और ये नरवा गरवा घुरवा बारी के लिए कर्जा लिया, पूरा पैसा मिट्टी में डाल रहा है, गोबर में डाल रहा है। तो फर्क ये होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च होता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ताकि वो वापस रिटर्न देता है। हमने जो भी खर्च किया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक एक पैसे का, और ये लड़वा लड़वा घुरवा बारी, और ये जो बोलता है ना कि कांग्रेस के चार चिन्हारी, कांग्रेस के चार चिन्हारी बदल गया है, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लवारी। क्या नरवा घुरवा गरवा बारी नहीं, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लवारी, ये कांग्रेस के चार चिन्हारी। ठीक है, जहां तक सवाल छत्तीसगढ़ के कर्ज की बात है, तो एक तुलनात्मक आंकड़े में बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 15 साल हमारी सरकार रही, और 15 साल के सरकार रहने के बाद भी हमने टोटल जो कर्ज लिया या लोन लिया या अलग अलग उसको पैसे मिले, ये 15 साल की अवधि में करीब करीब 60-65 हजार मिला। उसके पहले 2003 में हमको जो कर्ज मिला था वो, मगर एवरेज नहीं लगा दे तो कांग्रेस की भूपेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सरकार में यदि तुलना करें तो ये प्रति वर्ष भूपेश सरकार ने 5 साल हुआ नहीं है, 4.5 साल भी हुआ है, और करीब करीब 60-70 हजार का कर्ज हो गया। एवरेज में 15 से 18 हजार करोड़ का कर्ज लिया और हमने 4 से 5 हजार करोड़ का ही कर्ज, तो तुलनात्मक बहुत कम है।